और आज वेस्ट में क्या हुआ है ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में और अमेरिका में, कि ये जो बाहर के कल्चर्स हैं, ऑल्टरनेट कल्चर्स जो हैं, वो कल्चर्स इतने ज़्यादा प्रैक्टिस होने लगे कि वेस्ट को अब अपने कल्चर के सर्वाइवल का खतरा होने लगा। सो द वेरी सोसाइटीज, आयरॉनिकली, पैराडॉक्सिकली, बड़ी अजीब सी बात है कि कल तक तो आप बड़ी आज़ादी की बात कर रहे थे भाई, जैसे आप लोग पता ऐसी, मतलब एक लाइटर, उसमें मैं आपको एक छोट मतलब वो एनेक्डोट, क्या एनेक्डोट क्या पता, ऐसा होता था हम सब जब बच्चे थे तो बचपन में नहीं, जब खेलते हैं जैसे खेल रहे होते थे अपने साथ के बच्चों, तो हमेशा एक आध थोड़ा मजबूत सा बच्चा होता है तो वही रूल बनाता है हमेशा कि साहब ऐसे खेलोगा, उस खेल से वो जीतता रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उस रूल से भी वो हारने लगता है, तो फिर वो बेईमानी करने लगता है, अब खेल नहीं होगा, छोड़ोगे, बाद लड़ाई, बच्चे रोने होने लगे, अपना खेल बिगाड़ दिया। हाँ, समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि हमने तो रूल्स बनाए हैं गेम के, मतलब वेस्ट ने रूल्स बनाए गेम के कि ऐसे होगा सब कुछ, क्योंकि उसमें हम सब जीत ही रहे हैं, सब हमारी तरह हो रहे हैं, सब हमसे महरूम हैं, हमारा कल्चर डोमिनेट कर रहा है। अब क्या हुआ, चीज़ें चेंज होने लगी, दूसरे कल्चर भी बहुत आ गए, और बल्कि हमारे लोग उस कल्चर की तरफ जाने लगे। ए लॉट ऑफ लेडीज इन द वेस्ट हु बिलोंग टू वेरी प्रॉस्पेरस एंड रिच एंड सो कॉल्ड मॉडर्न फैमिलीज, दे हैव अडॉप्टेड दीज थिंग्स एंड दे हैव अडॉप्टेड इस्लाम बिकॉज दे थिंक दैट इट गिव्स मोर डिग्निटी, मोर वैल्यू, मोर रिस्पेक्ट टू वुमेन देन दैट कल्चर विच कॉमोडिफाइज वुमेन एंड मेक्स देम वुमेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेजर ऑफ मैन। तो उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज किया और वो चीज़, मतलब अब उल्टा हो गया ना, कल तक हम आपके कल्चर से मरूब हो रहे थे, अब आप दूसरे कल्चर से आपके लोग मरूब हो रहे हैं, और वो हर जगह फैल रहा है। तो वही ब्रिटेन, जहाँ से मल्टीकल्चरलिज्म शुरू हुआ था, आज ब्रिटेन में डिस्कोर्स चल रहा है कि साहब मोनोकल्चरलिज्म इज बेस्ट। कल तक आप ही ने तो कहा था साहब कि गेम ऐसे होगा, अब आपने रूल चेंज कर दिया कि मोनोकल्चर, ये बाहर के लोगों ने आके बड़ा गंदा कर दिया। कल तक बाहर के लोग बड़े वेलकम थे, जब तक वो उनका कल्चर पब्लिक स्फीयर में फ्रिंज पे था, मतलब सब्जी हमारी थी, आपका नमक था, अब आप नमक की जगह सब्जी में भी एंटर होने लगे तो ये तो अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आपका कल्चर जो है वो ज़्यादा हमारे कल्चर को ओवर पावर कर रहा है इन द पब्लिक स्फीयर। इफ यू गो एंड लुक एट मोस्ट ऑफ दीज मेट्रो सिटीज, कॉस्मोपॉलिटन सो कॉल्ड सिटीज इन द वेस्ट, पेरिस में जाइए, लंदन में जाइए, कहीं भी जाइए, तो आप कहीं भी इधर उधर देखिएगा तो दो गोरे नजर आएंगे, बाकी और पांच दूसरी तरह के लोग नजर आएंगे, और हर तरह के लोग। सेंट्रल लंदन में जाइए, कुछ मोहल्ले ऐसे हैं कि अगर आपको आंख बंद करके वहाँ छोड़ दिया जाए तो आपको हर आदमी वहाँ इतनी लंबी दाढ़ी और हर लड़की अबाया में, जैसे लगेगा पाकिस्तान बांग्लादेश में आप हैं। दैट इज सेंट्रल लंदन, हैकनी वगैरह जो इलाके, मतलब दैट इज हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। सो दैट इज मेकिंग देम वेरी जिटरी एंड दैट इज हाउ दे आर चेंजिंग देयर कॉन्सेप्ट ऑफ द वेरी फ्रीडम विच दे वर एस्पाउजिंग। क्यों? क्योंकि जो मैंने पहले आपको बात बताई थी कि वो फ्रीडम का जो कॉन्सेप्ट ही बेसिकली था, वो सब उसका, उसकी लॉजिक क्या थी कि वो सब कंज्यूमरिज्म पे बेस्ड है। वेस्ट की सारी चीजें कंज्यूमरिज्म पे बेस्ड है, मार्केट पे बेस्ड, कि हमें हर तरह मार्केट को ऑपरेट करना, हर चीज मार्केट डिसाइड करेगी, मतलब एवरीथिंग इज मार्केट ड्रिवन, योर बर्थ इज मार्केट ड्रिवन, योर डेथ इज मार्केट ड्रिवन, एवरीथिंग इज मार्केट, मतलब आपकी पूरी जिंदगी मार्केट से, जो अब धीरे धीरे यहां भी शुरू हो रही, लेकिन वहां हर चीज से, कोई आदमी मर गया आप उनको ईमेल कीजिए, उनका साहब फना वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे उनको कंडोलेंस भेज दीजिए, अगर आपको उनके कब्र पे फूल भेजने हैं तो इतने डॉलर वहाँ भेज दीजिए, और अगर आपको ये करवाना है तो ये कर दीजिए, मतलब एवरीथिंग इज मनी ओरिएंटेड। एक बार आप कंपनी को भेज दीजिए, इनकी बर्थडे पर 200 फूल इनके घर पहुँच जाएंगे, 25 कार्ड, मतलब एवरीथिंग इज बाय द मार्केट। नाउ इन द मार्केट व्हाट हैपेंस, दैट मार्केट हैज टू पैंडर टू योर इमोशंस। मार्केट को आपके इमोशन से ही खेलना है, क्योंकि उसको अट्रैक्ट करना है, बहुत से लोग हैं, हाउ टू कैच यू एंड गेट द मनी आउट ऑफ यू, दैट इज द ओनली रीजन। सो दैट इज द रीजन यू नो व्हाई द इम्फेसिस इज ऑन दैट इमोशनल फ्रीडम, मींस दे विल नॉट, द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट विल नॉट लेट यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ एंड इट विल नॉट गिव यू एनी टाइम टू रिफ्लेक्ट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यू आर कॉग इन अ मशीन, एक मशीन चल रही है बड़ी ह्यूज सी, दिन भर चलती चली जा रही, रुकी नहीं रही। यू आर वन पार्ट इन दैट मशीन, द मोमेंट यू गो देयर यू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट मशीन, इट इज कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, आपके पास टाइम ही नहीं। और कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी, आपके पास जो कुछ भी है उससे अच्छी 100 चीजें मार्केट में मौजूद हैं। पहले आप यहां भी देखिए ना, देयर वाज कंटेंटमेंट इन लाइफ, यू नो पीपल इन आवर यूनिवर्सिटी फॉर एग्जाम्पल, पीपल आर गिविंग गेटिंग, सर को पता है कितनी कम तनख्वाहें लोगों के पास थी, लोग बड़े सुकून से थे। आज उसकी 50 गुना तनख्वाह, हर आदमी परेशान है। क्यों? क्योंकि इनकी कार, लतीफ़ साहब की कार, फला कार आ गई, मुझे भी वो कार चाहिए, उससे बड़ी भी कार अवेलेबल है, उससे अच्छा घर भी अवेलेबल है। सो व्हाट हैपेंस, ऑल माय लाइफ आई कंटिन्यू वर्किंग बट आई कैन नॉट रीच
एवरीथिंग विच इज अवेलेबल इन द मार्केट, मतलब मार्केट में हमेशा उससे ज्यादा चीजें मौजूद हैं जितना मैं अर्न कर सकता हूं, इट्स ऑलवेज देयर। तो आपको एक रेस में लगा दिया कि आप ये भी ले सकते हैं साहब, ये भी ले सकते हैं, हर चीज बाय नाउ पे लेटर, योर वाइफ शुड ऑल्सो वर्क बिकॉज इतनी चीजें हैं कि सिवा आपकी कमाई से नहीं चलेगा, वो भी काम करें, 24 घंटा आप काम करें, दो शिफ्ट काम करें, आप काम करते करते अपनी जिंदगी खत्म कर दें, सोचने का आपको टाइम ना हो। और फिर अगर आप सोचने भी लगे तो आपको लगेगा दिस इज अ सिस्टम, आई कांट फाइट दिस सिस्टम, यू नो दे हैव क्रिएटेड सच अ सिस्टम, सच आर्टिफिशियली क्रिएटेड स्ट्रक्चर दैट यू थिंक यू आर पावरलेस इन द फेस ऑफ दिस सिस्टम। आर गेटिंग माई पॉइंट? इस्लाम ने क्या कहा कि साहब पहली बात तो फ्रीडम, जो मैंने आपसे कहा फ्रीडम इमोशनल नहीं, फ्रीडम इज द अदर साइड ऑफ नॉलेज, नॉलेज के साथ फ्रीडम है, बगैर नॉलेज के कोई फ्रीडम है ही नहीं, तो इल्म के साथ फ्रीडम है, यू हैव टू हैव नॉलेज, एंड नो फ्रीडम कैन लीड टू इनजस्टिस विच कट्स एट द वेरी रूट्स ऑफ दैट कैपिटलिस्ट नोशन ऑफ फ्रीडम, जो बेसिकली बेस्ड ही है इनजस्टिस पे, जुल्म पर। भाई कोई एक ऐसा निजाम हो, हम सब यहां कुछ कर रहे हैं और कुछ लोग अमीर होते जाए कुछ लोग गरीब होते जाए, इसका मतलब निजाम में कुछ गड़बड़ है ना, हम सब मेहनत कर रहे हैं, सारा पैसा इधर क्यों जा रहा है, सारा पैसा, सारी गुर्बत उधर क्यों जा रही है। तो वेस्टर्न सिस्टम जो फ्रीडम का है वो क्या है, ऐसा निजाम बनाया, फ्री सब लोग समझ रहे हैं अपने को, लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एट द टॉप, ऑल द वेल्थ इज गेटिंग कंसंट्रेटेड इन द फ्यू हैंड्स, जो लॉजिक मैंने बताई क्यों, पहले क्यों सारी वेल्थ इनके पास आ रही, क्योंकि निजाम ऐसा है, दीज आर पीपल यू नो विद मोर रिसोर्सेज, विद बेटर रिसोर्सेज, दे आर गेटिंग ऑल द वेल्थ। Now, if from the Islamic perspective you look at it, you are free to do whatever you want. You are free to do any business which is legal, which जो जायज business है वो सारे business आप कर सकते हैं, कुछ भी करिए, wealth accumulate करिए, लेकिन फिर उसके साथ responsibility है. Whatever wealth you are gaining, first it should not be based on exploiting human beings. You cannot exploit any human being, and then whatever wealth you get, you have the responsibilities. उसके साथ balanced responsibility है. घर वालों का हक, रिश्तेदारों का हक, पड़ोसियों का हक, सारे लोगों का हक, और इस्लाम में सबसे बेसिक चीज़ जो है कि उसने सबसे ज़्यादा हकूक बताए हैं सबसे डाउन ट्रॉडन के, जैसे है ना कि बैतुल माल पे पहला हक किसका है, औरतों का है, बेवाओं का है, मरीजों का है, बुजुर्गों का है, बच्चों का है, यतीमों का है, मतलब सबसे कमज़ोर लोगों का सबसे ज़्यादा उस पर हक है, जो एबल बॉडीड है वो तो खुद से कर लेंगे। तो क्या हुआ, दिस सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम द लोएस्ट डिनोमिनेटर, नीचे से वो फ्रीडम की बात कर रहा है, फ्रीडम कैसे कम मानी जाएगी जब सबसे नीचे वाला फ्री होगा, जब नीचे वाला फ्री का मतलब वो कर सकता होगा जो वो चाहता है, यहां सारी बात ऊपर वाले के लिए हो रही है, जो पावरफुल है, जो रिच है, जो सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है उसकी फ्रीडम इंपॉर्टेंट है, आप तो यू आर जस्ट ए कॉग इन द मशीन। इन द इस्लामिक पर्सपेक्टिव नो, यू आर नॉट कॉग इन ए मशीन, यू आर ए फ्री इंडिविजुअल, you have freedom to do whatever you want within the limits prescribed, and then you have to consider these things. acha, why will somebody consider these things? ab isme ek bada important distinction hai, dekhiye western concept mein bhi values hain, values kya hain, wo sari values market ki values hain, islamic freedom mein kya hai, sari values human values hain, dono mein bada fark hai। जब आप ह्यूमन वैल्यूज की बात करेंगे और वो वैल्यूज इंटरनलाइज करेंगे तो आप अपनी फ्रीडम का इस्तेमाल दूसरी तरह करेंगे, बिकॉज यू आर बीइंग गाइडेड बाय ह्यूमन वैल्यूज। द वेस्टर्न फ्रेमवर्क ऑफ फ्रीडम इज ऑल रिलेटेड टू वैल्यूज, बट दे आर ऑल मार्केट बेस्ड वैल्यूज। सारी वैल्यूज क्या है, मार्केट बेस्ड वैल्यूज है। इट इज अ वेरी क्रूअल सिस्टम, नोबडी केयर्स फॉर एनीवन बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू केयर अबाउट एनीवन। मतलब वहां पर अगर कोई आपको, अगर आप सड़क पर भूखे बैठे हैं, कोई आपको खिला नहीं रहा है, तो कोई बुरा नहीं मान रहा है कि साहब ठीक है आपने कुछ किया नहीं, आप बेकार हैं, नालायक हैं, भूखे हैं, मर जाइए, नोबडी केयर्स, मतलब नोबडी केयर्स। इस्लाम में कोई आदमी सड़क पे भूखा और किसी ने उसको नहीं खिलाया तो सबके ऊपर उसका गुनाह आ गया ना, आप सब रिस्पॉन्सिबल हो गए, एक कोई खिला दे तो सबके ऊपर से हट गया। लेकिन यह कि अगर किसी ने उसकी केयर नहीं की, क्यों, क्योंकि आपने क्यों नहीं केयर की साहब, ये आपके समाज में सारे लोग एबल बॉडीड लोग थे और सबके पास पैसे थे, एंड समबडी इज स्लीपिंग विदाउट फूड इन हिज बेली, यू नो हाउ इज इट पॉसिबल। तो आपकी वो ह्यूमन वैल्यूज हैं जिसके ऊपर आप एम्फेसाइज करें कि वो चीज़ एक अहम है, वो इम्पॉर्टेंट है, एंड दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन यू, बट दैट इज पार्ट ऑफ योर फ्रीडम, दैट फुलफिल्स योर फ्रीडम। और यहां पर ये है कि साबित, मतलब
हर आदमी फ्री है, जो चाहे वो करे, और जो कामयाब हो गया उसको समझा जाता है कि साहब इन्होंने मेहनत की इसलिए कामयाब हो गए, जो नहीं कामयाब हो पाए वो नकारा है, बेकार है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिस्टम है, समबडी हु इज फिटेस्ट विल सर्वाइव, अदर्स विल पेरिश, नोबडी केयर्स अबाउट दैट। तो दैट बिकम्स अ वेरी इनह्यूमन सिस्टम, जहां पे इंसानियत और ह्यूमैनिटी का कोई इशू नहीं, और यहां पर सारा एम्फेसिस वैल्यूज के ऊपर है। किन वैल्यूज पे? ह्यूमन वैल्यूज पे। तो सारी फ्रीडम इन सारी नमाज के लिए, हाँ ठीक है, चलिए बात आगे इसके नमाज के बाद करते हैं। नमाज तो फौरन आ गई।